हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी बाइक ख़रीदने जाते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल सजेशन चाहिए उस बाइक के रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम 100 cc बाइक के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हीरो का HF डीलक्स ज़रूर आता है। आज की वीडियो में हम हीरो के HF डीलक्स का रिव्यू करने वाले हैं, जो हमारे पास एक इसका डिफरेंट कलर आया है। इस कलर का नाम है हैवी ग्रे विद ग्रीन। बहुत इस कलर की डिमांड आ रही थी आप सभी की तरफ से कि आप जो HF डीलक्स का न्यू कलर आया है ग्रीन वाला, और एक सिल्वर ब्लैक आया जैसे स्प्लेंडर प्लस का सिल्वर ब्लैक है, उस कलर का आप रिव्यू करके दिखाओ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको हैवी ग्रे विद ग्रीन कलर का आपको फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा। इसका बस कलर चेंज है, बाकी फीचर्स सेम ही है। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप कलसी मोटर्स लुधियाना में विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लुधियाना के रहने वाले आप इन्हें तो ही कॉल करें। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को इधर ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बाइक का मैं आपको फुल एक्सटीरियर और मॉडल दिखाऊंगा किस तरह का मिलता है आपको। आप देखेंगे इसमें आपको प्लास्टिक के मिरर्स देखने को मिलेंगे, जिस टाइप के आपको स्प्लेंडर में मिलते थे सेम वैसे ही है। मिरर्स में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो इसका वाइज़र है आपको ग्रे कलर में मिल जाएगा, एंड जो नीचे मडगार्ड है वो भी, और स्टिकर्स में आपको ग्रीन कलर की आपको देखने को मिलेगा विद ग्रे, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आई कैची कलर है ये, तो काफ़ी डिमांड में भी है आजकल। राइडर की सीट के नीचे आपको HF डीलक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड पिलियन की सीट के नीचे अगर i3s मॉडल होगा i3s लिखा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा होगा। अभी हमारे पास नॉर्मल मॉडल है किक वाला। इसके दोस्तों तीन मॉडल आते हैं, किक अलॉय एंड किक जो सेकंड मॉडल है वो है सेल्फ, जो थर्ड है वो है i3s वाला। बैक साइड से आप देखेंगे आपको इसमें नॉर्मल टेल लाइट एंड नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और एक पिलियन ग्रैब रेल भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप देखोगे राइट साइड से सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा, बस एक आपको एग्जॉस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो आपको क्रोम जिसपे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, फुली लगभग क्रोम से ही कवर्ड किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इंजन आपको वो भी ग्रे कलर या फिर सिल्वर कलर हम उसे कह सकते हैं, उसकी फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है, एंड ब्लैक कलर के साथ में थोड़ा बहुत मिलेगा। अब हम बढ़ते दोस्तों सीट की तरफ। सीट आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें देखने को मिलती है, कंफर्टेबल है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि हीरो की यही दो बाइकें सबसे ज़्यादा बिकती है, एक स्प्लेंडर और HF डीलक्स, तो दोनों में आपको अच्छा खासा डिज़ाइन और सीट क्वालिटी मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको इसमें फुली एनालॉग देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज, डिस्टेंस इंडिकेटर मिल जाएगा, एंड आपको एक साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिल जाता है। अगर स्टैंड नीचे आपका होगा तो ये इंडिकेट करेगा। स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात करें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। स्प्लेंडर प्लस है मेरे पास, उसकी भी स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, यह किक वाला मॉडल है हमारे पास, अभी इसका सेल्फ वाला भी आता है। सेल्फ वाले का अगर आप रिव्यू को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इंजन की तरफ। दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC इंजन देखने को मिलेगा विद i3s टेक्नोलॉजी। वो भी एक इसका इंजन आता है, जो मतलब दूसरी बाइक है i3s वाली। इसमें आपको दोस्तों 97.2 cc की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो 8.36 PS की पावर जनरेट करता है और 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। ये आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको किक एंड सेल्फ दोनों ही मिल जाती है। कार्बोरेटर के थ्रू आपको इसमें फ्यूल डिलीवरी मिलेगी और 4 गियर्स मिलेंगे। सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं, जो आपको डिसेंट क्वालिटी के मिलते हैं। ये HF डीलक्स और स्प्लेंडर के सस्पेंशन से मैं उतना खुश नहीं हूँ, और एक इसका चैन सेट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो स्विंग आर्म विद 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको ये भी ठीक ठाक मिलते हैं, पर समय के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम करते हैं, आवाज़ करते हैं, जिस तरह स्प्रिंग जब प्रेस होता है वैसे आवाज़ होती है। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको ब्रेकिंग यहाँ पे आपको इसमें थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है। जो फ्रंट ब्रेक है आपको
ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी विद IVS टेक्नोलॉजी, 130 मिलीमीटर की ड्रम है। रेयर ब्रेकिंग की बात करें वो भी आपको 130 मिलीमीटर की रेयर ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है विद IVS ब्रेकिंग। ये तो बात हुई ब्रेकिंग की, अब हम बढ़ते हैं आगे इसके टायर्स एंड व्हील्स की तरफ। आपको इसमें फ्रंट एंड रेयर दोनों ही टायर 18 इंच के देखने को मिलेंगे। फ्रंट टायर आपको 18 इंच का देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस एंड अलॉय व्हील्स। रेयर आपको वो भी 18 इंच के अलॉय के साथ देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस टायर्स, जो काफ़ी बढ़िया बात है। पहले आपको ट्यूब वाले मिला करते थे जो काफ़ी प्रॉब्लम करते थे। दोस्तों अब हम इस बाइक की थोड़ी और डिटेल में हम आपको बता देते हैं क्या क्या और मिलता है इसमें। इसमें आपको 1965 मिलीमीटर की लेंथ मिल जाती है और 9.5 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और जिसमें से आपको 1.4 लीटर इसका रिजर्व होगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 मिलीमीटर की मिलेगी, जो मेरे हिसाब से तो कम है क्योंकि लगभग प्लेटिना में आपको 179 आई थिंक मिलती है। और सीट हाइट इसकी 805 मिलीमीटर आपको मिल जाएगी एंड वेट आपको 112 केजी का मिल जाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। इस बाइक की दोस्तों अगर हम इन लुधियाना पंजाब ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये 50,000 के अराउंड देखने को मिलेगा इसका बेस वेरिएंट ऑल टैक्सेस लगाने के बाद। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप कलसी मोटर लुधियाना में विजिट कर सकते हैं, यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप लुधियाना के रहने वाले लोकल आप ज़रूर तभी यहाँ पे ख़रीदें। अभी इनका दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है, आप अगर दिवाली से पहले ख़रीद लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो आपको किस तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कोई भी बाइक के रिलेटेड क्वायरी करनी है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।